नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। होप सो आप सभी अच्छे से होंगे। वीडियो देखने से तो आपको थोड़ा मालूम हो ही गया होगा कि मेरी आज की भी वीडियो सिलाई वाली वीडियो है, और यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं बना भी नहीं पाई थी अपनी वीडियो, तो मुझे एक चैलेंज की तरह है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे किस तरह से बनाऊँ, रैक को किस तरह से कवर करूँ, और ये काफ़ी पुरानी रैक है और जो यूज में भी नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा साफ़ कर लिया क्योंकि ये गंदी भी हो रही थी, और तब इसके बाद मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर ना मैं इसकी सारी लंबाई चौड़ाई मेजर कर लूँगी क्योंकि ये आगे और पीछे की साइड इसका बराबर है और साइडों से थोड़ा कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा मेजर करके मैं यहाँ पर इसे अच्छे से तब जाकर इसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ पर ना मेरा जो मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का, वो यही है कि कोई भी बेकार अगर चीज़ है हमारे पास, तो हम उसे अच्छे से यूज में ला सकते हैं, एक अपने जीवन की तरह। हम अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तो चीज़ों का भी यही होता है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से अच्छे से अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास भी कोई कुछ इस तरह की हो, तो आप भी एक अच्छा सा आइडिया इस तरह से ले सकते हैं और उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर इसके लिए कुछ ये प्रिंट वाला कपड़ा लिया है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे बनकर, मतलब ऐसा लगे कि हाँ वाकई में कुछ इस तरह से सुंदर सा कवर बना हुआ है। और मैं इसे जैसे मैंने मेजर किया है उसी तरह से इसे कट कर लूँगी सारे को। प्रकृति में बनाना से स्टार्ट, तो बने रहिएगा आप लास्ट तक वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर पहली बार वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो यहाँ पर मैंने इसी के लिए ही ये एक कपड़ा और भी लिया है जिससे मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइनिंग लगाने वाली हूँ, उससे क्या होगा ना वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच की पट्टियाँ काट लूँगी इसके लिए ताकि उन्हें अच्छे से यहाँ पर लगा सकूँ। तो जितनी मुझे पट्टियाँ काटनी है मैं उतनी कटिंग कर लूँगी। एक जिप भी ली है, और ये भी पुरानी जिप थी मैंने, एक जो रखी हुई थी वो ही यूज में ले लूँगी मैं, क्योंकि मुझे आगे से ना इसका थोड़ा ओपन रखना है ताकि अच्छे से सामान खोल के उसे रख दिया जाए और अच्छे से कवर भी हो जाए। तो मैं आगे के पोर्शन को ओपन रखूँगी और उसमें जिप लगा दूँगी।
और अब ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बनकर, मतलब थोड़ा ही काम रह रहा है तो हो गया है। अब देखिए फाइनली लुक कुछ इस तरह से आया है, और मैंने इतनी मेहनत के बाद इसे बना ही दिया, और काफ़ी मतलब अच्छे से एकदम फिट बना है ये। और इस तरह से यहाँ पर एक जिप भी लगाई है ताकि वो अच्छे से खुल जाए, उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। कई सारे इसमें इस तरह से खाने बने हुए हैं, और एक ऊपर की तरफ ओपन ऐसे ही रखा है फोल्ड करके, ताकि खोल और बंद कर लें उसे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर सामान भी काफ़ी एडजस्ट कर दिया है इसमें, जो अच्छा भी आ गया, और फिर ऊपर से भी कवर भी इसका बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर सभी को अच्छा लगा, इस तरह से बनकर ये रेडी हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बन जाएगा कवर, और अच्छा लगेगा। और ऊपर वाले पोर्शन में भी काफ़ी सारा सामान इसमें आ गया, और दिखेगा भी नहीं, मतलब इस तरह से अगर हम उसे कवर कर देंगे ऊपर से तो वो दिखाई भी नहीं देगा, और एक अलमीरा की तरह हमारी ये यूज में आ जाएगी। की चीज़ें बनाकर ना हम अपनी बेकार चीज़ों को भी यूज में ला सकते हैं, और अच्छी लग रही थी काफ़ी बनकर। अगर आपको भी पसंद आया हो मेरा ये तरीका बनाने का, तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।